मोदी जे केसरी ना आंदा तू मोदी मोहम्मद होना सी, जे केसरी ना आंदा ते अमित मोहम्मद होना सी। अज नू जदों तुहाडी पिदड़ पैं बोल जांदी है ते छपच्चा इंच दी छाती कित्थे जांदी है बई, भेजो शिव सैनिकां नू बजरंग दलियां नू। राजवाणी दे बीबी दे खिलाफ ढिल्लों नू क्यों ठल्लिया सी, टिकट मूड़ी च वड़िया सी पंथ दा मड़िया जा कहिंदा ला दो तिरंगा, नहीं चुल्लेगा खट्टा टन कदे आप आई खां आप जोखड़ा साहब आप आ। केजरीवाल साहब लाला जवाब देना पऊगा, पंजाब च वड़िया नहीं जाना तिथों, तू सैन क्यों नहीं करता। जे कोई गोली गोली थोड़े वज की तड़ा च मगर पिछे ओदा भी असी थोड़ी मलम पट्टी कर देंगे, बच सकती है क्योंकि तुम सदा ही भजते रहे हो, भज तो तुम पैना ही है। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਝੁੱਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਝੁੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਿਰੰਗਾ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਢੂਈ ਮਾਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ? ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਹਾਂ ਵੱਡੀ, ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿ इंडियन स्टेट सानू गुलाम रखना चाहती है, 85% कुर्बानियां करके साडा दरबार साहब ढा देंदे है, कदे गलां च टायर पा देंदे है, कदे धियां भैणां दीआं बेपतियां करदे है, कदे 328 सरूप चोरी करके लै जांदे है, कदे गुरु ग्रंथ साहिब दे उत्ते बैठ जांदे है, कदे CBI दखल दे दिंदी है, ते कदे सरबजीत सिंह दी पग ला दिंदे है, सिमरनजीत सिंह मान दी दाढ़ी पुट दिंदे है, कदे सोशल मीडिया दे बैन जदों चंगी साडी पोस्ट आ जे बैन कर दिंदे है, फिर प्रिंट मीडिया दे बैन कर दिंदे है। ये गैर कानूनी गल हो रही है, गुलाम बंदे है आ जिहड़े राज करदे है, वह बंदे कुर्सियां ते बैठे है जिहड़े अंग्रेज़ां दे पिट्ठू सीगे, ते जिहड़े कहिंदे अंग्रेज़ मारे ते अंग्रेज़ां दे मुल्कां ते रही जांदे है, ते अज साडे बंदी सिंह है असीं कहिंदे रिहा करो, असीं कोई भीख थोड़ी मंगदे हां, साडा हक है। जिहड़े साडे बंदी सिंह है 66 सिंह सी, कुल 88 सीगे, 66 असीं छड़ा ले, बापू सूर सिंह नूं बंदी बना के रख्या होया, पहला बादल ने बनाया फिर कांग्रेस ने बनाया थोड़ा आप बनाई बैठी है, इस करके ये बंदी सिंह असीं कहने भाई जगतार सिंह तारी नूं हवार करो, भाई लखविंदर सिंह नूं करो, भाई राजवाणा साहब नूं करो, भाई दविंदर वाल भुल्लर नूं करो, गुरमीत सिंह नूं करो, ते राजवाणा साहब नूं करो, ते शमशेर सिंह नूं करो, ते परमजीत सिंह भ्योरा नूं करो, ते साडी कौम दा जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा उन्होंने रिहा करो, क्यों नहीं रिहा करते। सरदार सिमरजीत सिंह मान ने कल DG नूं चिट्ठी दित्ती सी कि सानू मिलने की इजाजत दित्ती जाए, उन्हें सुर जवाब ही नहीं दिता, संसार सिंह ते असीं प्रगट सिंह गए सीगे, इस करके उन्हें कोई जवाब ही नहीं दिता। हुण एक MP आपदे कैदियों नूं अपने योध्या नूं आपदे जथेदार नूं मिल नहीं सकता, असी क्या शबीर साहब नूं मिलना है ते शशीन मलक नूं लैना, टाइम ही नहीं दिता। इस करके आ जिहड़े साडे सिंह है ये साडा हक है कानूनी, जे असीमा आनंद जी ने बंब धमाके किए हैं, दारा सिंह ने जिहड़े साइयां मशीनरियां नूं चारां नूं अग ला के साड़िया, जे उन्हां नूं छड़ सकदे हैं, ते प्रतिज्ञा नूं छड़ सकदे हैं, ते पुरोहित नूं छड़ सकदे हैं, ते फिर साडे यार सिंघां नूं क्यों नहीं रिहा करते, ये साडा बुनियादी हक है। इस करके गुलाम बंदे हैं ये, आर्टिकल 72 के तहत सेंटर कर सकता है, ते केजरीवाल दविंदर पार भुल्लर नूं क्यों नहीं करता, सैन ही करने हैं, इस करके केजरीवाल साहब लाला जवाब देना पऊगा, पंजाब च वड़िया नहीं जाना तिथों, तू सैन क्यों नहीं करता। तो दूजे पासे चार सवेरे पुलिस वाले जिहड़े बच्चे मारे वह तो रिहा करते गवर्नर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, वह तो करते साडे क्यों नहीं करते सिंह, इस करके ना तो गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का साथ देंगे। ये बंदी सिंह रिहा कराओ रोस धरना सरदार सिमरजीत सिंह मान की अगुवाई चल रहा है, उन्होंने पार्लीमेंट बोलन ही नहीं देंगे, गे वो धक्के ना बोलिया 0 hour से बिल्कुल आवाज ही नहीं कर देंगे, इस करके ये कैड़ियां गल्लां, ये बिल्कुल पार्लीमेंट का भी भगवाकरण होया पिया। जे इन्होंने बचना ना होना फिर कदे कदे झंडा नहीं तुसीं ला सकते, झंडा तो गुरु गोबिंद सिंह दा बई, इस झंडे ने तिलक जंजू की राखी की, कश्मीरी पंडितों को बचाया, रूपन देओल बजाज KPS गिल ने जिन्हों हथ पाया उन्होंने बचाया, ईसाइयों की कुड़ी कि जिहदी इज्जत नूं लुटिया बेअंत सिंह के पोतरे ने केतिया ने उहदी इज्जत नूं बिठाया, बाबरी मस्जिद जिहड़ी ढाती उहदे विरुद्ध आवाज़ बुलंद करके उन्होंने बचाया, मंदिर ढाता उत्ते कब्जा कर लिया बलटोए होरां ने भिखी पिंड उन्होंने बचाया, उस तो बाद प्रेस से G News से हमला आया उन्होंने बचाया, केसरी वाले ने स्पोक्समैन से हमला होया
उन्होंने बचाया, अकाल चैनल पर हमला होया, तोड़े ते जिद्दे हमला होया, तोड़ी भी असी हक च गल करांगे। डेमोक्रेसी है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फिर सानू राइट क्यों नहीं दिता जाता। ये बंदी सिंघां दी जिहड़ी रिहाई है ये जान बुझ के सानू जलाल दिती जा रही है, तो असी लड़ाई लड़ी चलांगे जमहूरी ढंग नाल। श्रोमणी गल है कह रहे हो झंडा भी झंडा तुसीं कह रहे हो भी केसरी सरकार कह रही है तिरंगा, तिरंगे दे नाल केसरी नहीं लहराया जा सकदा। लहरा देण जी, असी कदों कहने भी तिरंगे नूं रोक दिओ, असी नहीं कहिंदे तिरंगा चढ़ाओ जी दा, मोदी अपने घर ते ला ले सारे ते ला लवे, पर साढ़े केसरी नूं क्यों रोक सकता बई। मोदी जे केसरी ना हुंदा तूं मोदी मुहम्मद होना सी, जे केसरी ना हुंदा ते अमित मुहम्मद होना सी अज नूं। इस करके केसरी ने बचाया, पीड़ी थले छोटा मारो नहीं तो थोड़ी पिदड़ पै बोल जाती सी। चीन नूं 29,000 किलोमीटर वर्ग देता है, 9,000 हुण देता है, तो फिर पुछो अपने राजनाथ सिंह नूं, वो तो फिर कहिंदा देश शिवा बरमोहे है शुभ करमन ते कबू ना टरे। टैंक दे के केसरी झंडा ले जाते सी, जदों तो उहदी पिदड़ पै बोल जाती है तो बच्चा इंच की छाती कित्थे जाती है बई। भेजो शिव सैनिकां नूं, बजरंग दलियां नूं। मान साहब ने तो कहा मालिश असी कमांगे, कैंप असी लवेंगे, थोड़ू धक्कांगे जे कोई गोली गोली थोड़े वज गई तड़ा च मगर पिछे, वह भी असी थोड़ी मलम पट्टी कर देंगे। बज सकती है क्योंकि तुम सदा ही भजते रहे हो, भज तो तुम पैने ही है, पर इस करके उदों उदों हुण खट्टड़ कहिंदा कहिंदा मंजी साहब ते पजोखड़ा ते जा कहिंदा ला दो तिरंगा, नहीं चुलेगा खट्टड़ नूं, कहिंदे आप आईगा आप पजोखड़ा साहब आप आ। ते फिर उधर भगवंत मान केजरीवाल दे हुक्म ते कहिंदा वो कश्मीर सिंह माता गुजरी का प्रिंसीपल है, DPI ने हुक्म करता कहिंदे केसरी झंडा श्रोमणी कमेटी झुलू कैसे झुलूगा। तो उधर बलराज सिंह खालसा डिबेट करता, तो जिहड़ा आम पार्टी का मान है लुधियाने का गरेवाल है, हैं तो वह कहिंदा जी केसरी झंडा झुल सकता गुरुद्वारे ते, आखा तू आ जाएगा तेरे 92 MLA आ जाऊगा ते भैंद कोल दी लंघे तो विखा दिया जे जरूरत तो आओ। फिर इस करके एक केसरी झंडा मानवतावादी है, ये झुलना चाहिए, इन्हों सारे लाल किले से भी चढ़ाओ, इनू पार्लीमेंट भी चढ़ाओ, इनू राज्यसभा दे विच भी लाओ, ये सारे जे इन्होंने बचना ना तो इन्हों खीर एक समा आना जो इन्होंने चीन ने धुक्की बंद की सारे तिरंगे भुल जाने हैं। पर असी ये कहने हैं ये तिरंगे ने साडा दरबार साहब ढाया, साढ़े गलों टायर पाए है, 3 काले कानून किए, तिरंगे ने साडे नूं इंसाफ नहीं किया गा, जिहड़े चढ़ाउंदे चढ़ा लैन, एक पासे गल इंसाफ हुई, एक पासे तिरंगे वाले आ गए, एक पासे आ गए, एक पासे दिल्ली आ, एक पासे पंजाब है, दिल्ली हर गई है। ये मान साहब जितने तो बाद इन्हां नूं थोड़ी जिही मिर्चां लगियां, ये मिर्चा हुण जिहड़ी मिर्ची लग जाए फिर वह लड़ी जाती काफ़ी चिर, ये खुरक होई जाती इन्हां दे, इन्हां ने खुरक किसे दे नाल मट्ठी करा लेनी है। एक होर इल्जाम लग रहा है कहते RSS को भी तिरंगा पसंद नहीं, मान साहब को भी तिरंगा पसंद नहीं, कहते कहते मिल के चल रहे हैं, कहते RSS को पूरा पसंद है, RSS के मुताबिक ही सारा कुछ होंगे। मोदी 15 अगस्त को सल्यूट कहदे मारदा, ये तो उन्होंने भुलेखा किया गया कि मान साहब अगे जा रहा है, इस करके गल्लां कर रहे हैं। पंजाब में मान साहब को सरकार घेरे च लैंदी है, कदे जमीन से लैके कदे होर मसलों से लैके, वो तो तुहानू दस्सिया वारी वारी पुछण दा फायदा ही नहीं, सारे फेल हो चुके, सारे झूठे है। की लगता मुख विरोधी हुण सिमरजीत मान नूं मान होर हो गया जी, वो तो हुण इक्को पंजाब की पार्टी रह गई, हिंदू मुसलमान सारे की पार्टी, प्रेस वालों की सारे की बंद है। वो तुसीं मान साहब नूं जिवें जताया ना, आ थोड़े ते जिहड़ा बैन ला दिंदे ने चैनल बंद किए आ, वो भी पार्लीमेंट च आवाज़ उठूगी, ते जदों पंजाब की सरकार तुसीं 27 च बना दी ना, तो तुम मुछ नूं तां नाल जो मर्जी साढ़े विरुद्ध बोलिया जे कि वज बोलिया तुहानूं कोई नहीं रोकूगा। श्रोमणी अकाली दल बादल ने भी इत्थे धरना दिता सी, तुसीं कहा सी कि बादल परिवार ने बंदी सिंह जिहड़े आ बंद रखिया, पर पिछले दिन ही उन्होंने रिहाई दे लई इत्थे जंतर मंतर ते धरना दिता, छज तां बोले छाली भी बोले, हुण तुसीं दसो आप ही बंदी करा दो, आपे मत्था टेकण, आपे बुढ़ सुहागण, ये सारे लोगों को पता है। बंदी बनाई दी मिसाल तो बापू सूर सिंह ही है, तो फिर ते राजवाणी दे बीबी दे खिलाफ ढिलों नूं क्यों ठल्लिया सी, टिकट मूड़ी च वड़िया सी, पंथ दा मड़िया, बादल दा हिसाब पता किहो जिहा, एक बांदरी हुंदी है, बांदरी अपने बच्चे नूं प्यार करती है, जे बच्चा भी मर जाए हिक नाल लड़ा के रखदी है, ठीक है, तो हिक ना रखदी है, जे मर जाए तां भी रखना ही। बादल दा हिसाब यह है जदों उहदा परिवार डुब्बन लगे ना बांदरी तरह, वो बच्चा अग होवे उत्तों लंघ जाती है, हुण इह सारे पंथ नूं भरियाइयां च पा के उत्तों दी लंघना चाहुंदा, हुण नहीं लंघूगा। सरबीर बादल दा गाना भी गाया सी इत्थे, उहदा जलूस जो निकला तुहानूं पता ही है।
लोग तो हम मगर नहीं गाने गाऊगा वह भी किसी के आपदा तो उन्होंने आता ही नहीं गा हूँ फिर याद क्यों आ रही है बंदी सिंह आऊगी जी पंथ का दबाव बढ़ गया आऊगी पंथ का दबाव पता की वध्या वेखो कि वध्या पहला सुखे जिंदे फांसी हुई असी विरोध किया असी नहीं ला सके फिर बेअंत सतवंत फांसी हुई ना नहीं ला सके फिर फांसी का हुक्म हो किदे भुल्लर नूं सुप्रीम कोर्ट तक फांसी हो गई कौम ने दबा ना फांसी तो भी लवा लिया फिर राजवाणी हो गया कौम ने दबाव पाया तो राजवाणी फांसी तो लवा लिया कोर्टां दे उत्तों दी चला गया हुण आ दबाव पिया कौम का सारयां नूं कहना पैंदा है ये 10-15 साल ना ही नहीं लैंदे सी हुण लैंदे आ कि नहीं लैंदे जो असीं गल के उस ते आ गए है पर वह कहते सिखां दी पार्टियां गल सिखां दी कीती असीं होर किसे इन्हां ने पंजाबी पार्टी बनाती थी 75वें वरेगण मोगे ते इस करके सिखां दी पार्टी ते आ गई अकाल तख्त बनिया अकाली दल अमृतसर हुण अकाल तख्त ने हथ रख के इन्हां ने पंजाब ते सिखां दी पार्टी बनाती अकाली दल अमृतसर बादल परिवार का भविख की देखते हो तुसीं वेख ही लिया चोणां च भविख की है राजनीतिक तौर पर तुसीं की देखते हो ना पुत जितया ना प्यो जितया ते बिस्तरा गोल हो गया हाँ वहा सारे हों जो ना किसी के घर अग लगी हो उदो तो बसंतर होंगी है जो आपके घर लगे ना उदो पटाके पता लगता जो कहते हैं पर भी चाहिए उन्होंने चाहिए कि केसरी झंगे की वकालत कर झंडे आपके खर्चे जो गोलक च गुरु की गोलक सिखा ने रुपया रुपया पा के किया उन्होंने केसरी झंडे वंडने चाहिए है तो उत्थे तो काम ही सारे केसरी झंडे का कल नू कित ये ना कह दें भी केसरी झंडा कित दबा ठाक कित दरबार साहब के केसरी असी ला दीए ये नहीं लगू लगूगा नहीं लगू नहीं लगूगा तिरंगा केसरी लगूगा साढ़े तो झुली जाते सारे झुली जाते हैं तिरंगे की ढूई मार दें।